बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 10, यूएचएस यूनिट नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट Electricity, you know, electric charge की बात हो रही है, तो current electricity physics की वो branch है जिसमें हम charges को motion में पढ़ते हैं। Charges in motion। अब इस मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, तो फिर होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्जेस जब मोशन में होंगे, एक तो करंट प्रोड्यूस करेंगे और उस मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म भी आएगी। इंशाल्लाह ये यूनिट नंबर 11 चैप्टर नंबर 14 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चार्जेस को मोशन में पढ़ रहे हैं और दैट इज करंट। करंट क्या सिर्फ मोशन का नाम है? नहीं, एक तो मोशन की बात कर सकते हैं और दूसरा है रेट की बात करते हैं। जब लफ्ज रेट कहा जाता है तो इसका मतलब है हाउ फास्ट, या कितनी स्पीड से चार्जेस मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जब भी रेट का लफ्ज आता है इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब कहां से, किसी भी कंडक्टर की बात कर लें, किसी मेटल की बात कर लें, किसी लिक्विड की बात कर लें या गैस में बात कर लें, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस यानी ये चार्जेस की मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। और हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट के लफ्ज के अंदर ही टाइम छुपा हुआ है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट का यूनिट बड़ी आसानी से फाइंड किया जा सकता है कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को हम लिखते हैं एम्पेयर। एम्पेयर एक साइंटिस्ट है, बल्कि था, जिसके नाम पे करंट का यूनिट एम्पेयर बना। करंट का एक और फार्मूला भी याद रखिएगा, ये मिलिकेन ने फार्मूला दिया था चार्ज का, क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन इज नंबर्स, ठीक है, एंड ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो आप लिख सकते हैं एन ई ओवर टी। ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला करंट का है। अब अगर आपको टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें चार्ज गिवन हो, टाइम गिवन हो, करंट फाइंड करना हो, तो आप ये पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर आपको, जैसे एग्जांपल मैं कहता हूं करंट ड्यू टू 10000, कितना हो गया 1,00,000, ठीक है, करंट ड्यू टू 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर
फाइंड आउट कर लें। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चार्ज हमें गिवन है ई 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, I इज इक्वल टू एन ई ओवर टी, एन एट 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स 10⁵, 1.6 × 10⁻⁹ ओवर 1, योर आंसर विल बी 1.6 × 10⁻¹⁴ एम्पेयर। आप अंदाजा करें कि कितना कम करंट है 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इतना कम करंट 1.6 × 10⁻¹⁴, ये बहुत कम करंट है। ठीक है, एक सेकंड में एक कंडक्टर से, एक सेकंड में अगर 1,00,000 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो ये करंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 एम्पेयर करंट हो, तो 1 एम्पेयर को जरा सोचें क्या होगा, 1 एम्पेयर करंट आप जरा अंदाजा लगाओ इसकी शिद्दत का, कि 1 एम्पेयर करंट कितना हो सकता है। ये देखें, 1 कूलम 1 सेकंड में, डू यू नो 1 कूलम में चार्ज कितने होते हैं, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतनी बड़ी तादाद अगर 1 सेकंड में किसी वायर में से पास करेगी, 1 सेकंड की बात कर रहा हूं, अगर ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो 20 सेकंड में पास करेंगे उस 1 एम्पेयर नहीं होगा, 1 सेकंड में इतनी ज्यादा तादाद, ये एग्जाम में आती है, ठीक है, तो इतनी बड़ी तादाद अगर 1 सेकंड में पास करती है तो 1 एम्पेयर करंट है, तो ये 1 एम्पेयर करंट बहुत बड़ा करंट है। ठीक हो गया, मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर भी हम यूज करते हैं, स्मॉल यूनिट्स। ओके, अब करंट की जब हम बात कर रहे हैं, करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट फ्लो करता है लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्यों है, इसको हम स्केलर क्यों कहते हैं, ये मुझे आंसर आपसे चाहिए, मैं अगली वीडियो में इसका आंसर जरूर दे दूंगा, लेकिन आपको सोचने का भी तो मौका चाहिए ना। सो व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मेरा क्वेश्चन आप सुन लीजिए, और ये मेरे पास एक वायर है, अगर मैं बैटरी लगाता हूं यहां पर, ये इस सवाल का भी जवाब आपने देना है, ये बैटरी, अब आप ये कहते हो कि ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये एरो एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। सो व्हाई करंट इज स्केलर, जबकि हम अभी अभी बात कर रहे हैं कि ये डायरेक्शन जा, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो करंट फिर स्केलर क्यों है। व्हाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इंतजार रहेगा मुझे आपके जवाब का। अब हम करंट की टाइप्स की बात करते हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है इसका जवाब आपसे। करंट होते हैं दो तरह के, करंट है जनाब, अभी क्वेश्चन आ गया है, मैं क्वेश्चन पे बाद में जाता हूं, करंट की टाइप्स की बात करते हैं, कन्वेंशनल करंट, एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये एक्चुअल करंट है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, तो जो चीज मूव करे करंट उसकी वजह से होता है इन कंडक्टर। ठीक है, कन्वेंशनल करंट, ये जो दोनों करंट जो मैं बात कर रहा हूं, ये किस में बात कर रहा हूं, ये मैं मेटल्स की बात कर रहा हूं, मेटल्स कह लें, कंडक्टर्स कह लें, सॉलिड्स कह लें। ठीक है, कन्वेंशनल करंट कौन सा होगा, कन्वेंशनल को उर्दू में कहते हैं रिवायती, जैसे पाकिस्तान में रिवायात हैं, ठीक है, कि शादी से पहले क्या क्या होता है, यानी निकाह से पहले
रस्में कौन कौन सी होती हैं, रिवायात क्या होती हैं, कन्वेंशंस क्या होती हैं, मेहंदी, ठीक है, मुझे सारी नहीं पता, लेकिन आप इस बारे में मत सोचिए, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मत मुझे इसके आंसर, इसका आंसर नहीं चाहिए। लेकिन कन्वेंशनल करंट क्या करंट था, लोग बल्कि साइंटिस्ट कहते हैं उनको, साइंटिस्ट लोग नहीं होते बल्कि लोग आम लोग होते हैं, साइंटिस्ट बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं, पहुंची हुई दुनिया, पहुंची हुई दुनिया पाकिस्तान में भी बहुत है, लेकिन वो कहीं और पहुंची हुई है, अल्लाह करे ये दुनिया पाकिस्तान में जो पहुंची हुई दुनिया है, ये पहुंचे हुए लोग हैं, ये साइंस में पहुंचे हुए लोग बन जाएं। तो वो जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये सोचा था कि प्रोटॉन मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये सोच थी, उस सोच के मुताबिक उन्होंने ये रूल्स बना दिए, ये डीसी सोर्स है, इसमें जो ये वाली साइड है टर्मिनल जिसका साइज बड़ा है, ये पॉजिटिव है। तो जितने साइंटिस्ट थे या पुरानी बुक्स थी, उन्होंने कहा प्रोटॉन मूव करता है कंडक्टर में, इसलिए डायरेक्शन ये शो करेगी, यानी ये है हाई पोटेंशियल और ये है लो पोटेंशियल। तो पहले ये कंसेप्ट था कि जो सॉरी करंट हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो ये पता चला कि किसी भी मेटल की सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, दे आर नॉट फ्री। तो सादा सी बात है, मूव कौन करेगा जो फ्री होगा, जैसे घर में छोटा बहन भाई वो फ्री ही समझा जाता है, इसलिए सारे काम उसको कहे जाते हैं। तो फिर ऐसी ही बात है कि प्रोटॉन तो है फिक्स न्यूक्लियस के अंदर, तो जब ये डिस्कवरी हुई तो फिर रूल बदलने पड़ने थे, इसलिए उन्होंने सोचा रूल नहीं बदलते, उस करंट का नाम बदल दो जिसको एक्चुअल समझा जाता था, उसका नाम क्या रख दिया, कन्वेंशनल करंट, और ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर से किधर जाता होगा, डेफिनेटली उसके अपोजिट, लो से हाई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, लो टू हाई, ठीक है। कन्वेंशनल के लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इट इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक। इसका क्या मतलब है, देखिए मेरी बात सुने, करंट किसी वायर में है ना, आपको करंट से क्या चाहिए, सपोज आपको करंट से एक बल्ब ऑन करना है, आपने बल्ब ये एक बैटरी लगाई, एक रेजिस्टर है और ये एक बल्ब लगा दिया, इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो कर रहा है और ये बल्ब ऑन हो गया, ये बल्ब ऑन हो रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं, मेरी और आपकी बहस हो जाती, मैं कहता हूं करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप कहते हैं नो सर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम जितनी मर्जी बहस कर लें बल्ब की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फर्ज किया मैं आपकी बात मान लेता हूं करंट एंटी क्लॉकवाइज, या आप मेरी बात मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मैं आपकी बात मान लेता हूं क्लॉकवाइज, बल्ब ने उतनी ही रोशनी देनी है, यानी करंट का इफेक्ट उतना ही रहेगा। जब एक्चुअली लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक करंट था जिसने बल्ब को ऑन किया था, पहले लोग ये कहते थे जब उनके अकॉर्डिंग ये कन्वेंशनल यानी ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट था जिसने बल्ब को ऑन किया, लेकिन दोनों सूरतों में बल्ब ने रोशनी उतनी ही दी, तो इसका मतलब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक हो या कन्वेंशनल। फिर ये कहा गया कि जो रूल बना दिया गया है
उसमें अमेंडमेंट ना करें, उसको चेंज ना करें, कन्वेंशनल को उसका नाम कन्वेंशनल रख दें और उसी को फॉलो करें, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्यों? उसके पीछे एक रीजन है कि ये रूल है, जैसे रूल ना कहें, ये नेचर का लॉ है कि जैसे वाटर है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। लाइक वाटर, जैसे आपके घर में टैंकी है, ठीक है, तो मोटर पानी टैंकी में डालती है और टैंकी में से पानी खुद बहुत नीचे आता है। जैसे वाटर फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, उन्होंने कहा ये कन्वेंशन है, ठीक है, इसी को फॉलो करते हुए इसका नाम कन्वेंशनल रख दें कि ये हाई से लो की तरफ जाएगा। जिस तरह से ग्रेविटी के रूल्स हैं वैसे ही करंट के रूल्स बना लिए जाएं, इसलिए ये कन्वेंशनल करंट है। और इक्विवेलेंट क्या है, अगर हम नाम कन्वेंशनल रख दें तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट उतना ही रहेगा, ठीक हो गया। तो दैट इज कन्वेंशनल करंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। व्हाट इज एक्चुअल करंट? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, एंड कन्वेंशनल करंट इज अ कन्वेंशन। ओके, दोनों सूरतों में इलेक्ट्रॉनिक कह ले या कन्वेंशनल कह ले, एफेक्ट सेम है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं करंट डिफरेंट मटेरियल्स में किस वजह से होता है। याद रखिए, ये फ्री चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, फ्री चार्ज कैरियर्स। अब चार्ज दो तीन तरह के होते हैं, आइंस भी होते हैं, आइंस दो तरह के होते हैं, कैटाइंस होते हैं, एनाइंस भी होते हैं, और चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये भी चार्ज होता है, कैटाइंस पॉजिटिव आइंस, यू नो, जैसे कॉपर है, ये सल्फर है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये मूव करेगा तो करंट होगा, डेफिनेटली ये चार्ज है, ये भी मूव करेगा तो करंट होगा, ये भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो भी करंट होगा, ये भी चार्ज है। तो फिर किसमें किस वजह से करंट होता है? मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। दूसरी बात, मेटल्स कह लें या सॉलिड्स कह लें, सॉलिड्स में आइंस मूव नहीं करते, लिक्विड्स जैसे ये कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होते हैं? आइंस। और आपको पता आइंस क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। तीसरी बात रह जाती है गैसेस, क्योंकि तीन स्टेट है, गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आइंस भी मूव करते हैं, और इसी को हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए, फ्री आइंस। लिक्विड्स में करंट तब होता है जब फ्री आइंस बनते हैं, और ये फ्री तब होते हैं जब तक ये कॉपर सल्फेट है, ये आइंस नहीं है, ये टूटते हैं तो कॉपर अलग और सल्फेट अलग बनता है, तो ये आइंस की वजह से करंट फ्लो करता है। किसमें? लिक्विड्स में, जबकि गैसेस में आइंस भी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स।